मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबक सिखा दिया। गांधी परिवार के तलवे चाटकर सीएम बने कमलनाथ को सिंधिया से दुश्मनी लेना महंगा पड़ा। बदले में उन्हें सीएम की कुर्सी कुर्बान करनी पड़ी। यही हाल राजस्थान का भी होने वाला है। अशोक गहलोत सोनिया गांधी के करीबी हैं, लिहाजा उन्हें सीएम की कुर्सी मिली। लेकिन सरकार गठन के बाद से ही सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी खींचतान जारी है। कई बार ऐसा लगता है कि पायलट भी सिंधिया बनेंगे और गहलोत की नाव डुबो देंगे। पायलट के समर्थक कांग्रेस आलाकमान के झूठे वादे से भी नाराज हैं। दरअसल कांग्रेस ने सचिन पायलट के समर्थकों को आश्वासन दिया था कि लोकसभा चुनाव में अगर राजस्थान में सफलता नहीं मिलती है तो अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से पायलट समर्थकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। बीते दिनों नागौर मामले में दो युवकों के साथ हुई ज्यादती के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट खेमे में से सोनिया गांधी को एक रिपोर्ट भेजी गई थी जिसमें सरकार को पूरी तरह नाकाम बताया गया था। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर भी विवाद है। पायलट एक जाट और एक मेड़ा जाति से प्रत्याशी बनाना चाहते थे और गहलोत नहीं। वहीं इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अंदर खाने घमासान चल रहा है। ऐसे में अगर एमपी में सियासी उलटफेर को देखते हुए कांग्रेस समय रहते फैसला नहीं करती है तो राजस्थान में भी कांग्रेस का हाल वही होने वाला है जो मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।